हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 और मैं आज अर्ली मॉर्निंग से मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप उस 6:30 बजे जाएगी स्कूल, तो उसके लिए टिफ़िन, फिर इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब होता है। तो इसीलिए आजकल का मेरा ये रूटीन बन चुका है कि सुबह सुबह किचन में सुबह सुबह बेड से उठ के ही किचन में आ जाओ। और आज मैं बनाऊंगी इडली। तो मेरा एक व्यूअर से जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किए हैं 2-3 बार कि इडली का जो रेसिपी है वो डिटेल्स में आप लोग के साथ शेयर करूं। एक्चुअली इडली का जो रेसिपी है ना वो काफ़ी लेंदी है, तो इसीलिए मैं उसका रेसिपी कभी शेयर नहीं की हूँ। ब्लॉग में 2-3 बार मैं दिखाई हूँ कि इडली बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट में इडली ले रही हूँ, इस टाइप का दिखाई हूँ, लेकिन रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया है, सिर्फ इसलिए कि लेंदी प्रोसेस है इसलिए। और तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ इडली का रेसिपी। लेंदी इडली का जो बैटर होता है ना, उसके लिए जो दाल और चावल जो चाहिए उसको पहले से भिगो के रखना होता है 1 दिन पहले। तो कल मैं उसको भिगो के रख दी थी, और उसको भिगो के रखने के बाद उसको पेस्ट बना के फिर भिगोना होता है, फिर भी मैं भिगो के रख दी थी फूलने के लिए, और उसको एयरटाइट कंटेनर में रखना होता है। तो सारा प्रोसेस जो है वो मैंने कल कर लिया, और कल जो मैं वो इडली का बैटर का जो तैयारी कर रही थी वो तब उस टाइम मैंने वीडियो बना ली, क्योंकि इडली का जो रेसिपी वो डिटेल में मुझे शेयर करना है आप लोग के साथ। कल मैं वो जो वीडियो शूट की थी वो मैं अभी दिखाऊंगी आप लोग को, तो डिटेल्स में समझ जाएगा एक्चुअल जो इडली का रेसिपी होता है वो किस टाइप का है। आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आज आप लोग के साथ इडली का डिटेल्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं डिटेल्स में बता रही हूँ। और तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट बनाना और तैयारी करना सब कुछ, आज का जो ब्रेकफास्ट रूटीन है वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिया है और 1 कप उड़द के दाल। एक्चुअली इसका मेज़रमेंट ऐसा ही होता है, जितना चावल लेना होता है उससे आधा उड़द के दाल लेना होता है। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप चूड़ा यानी कि पोहा, किसी किसी जगह में पोहा या चूड़ा कुछ भी बोला जाता है, तो इसको मैंने 1/2 कप लिया है। इससे इडली बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और इसको मैंने 2-3 पानी से बहुत ही अच्छे से धो लिया है, धो के इसको भिगो के मैंने रख दिया है। और इसको भिगो के रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसको 4 घंटा हम भिगो के रखेंगे, फिर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। तो अभी मेरा 4 घंटा हो चुका है, तो इसको हम मिक्सी का मसाला जार में इसका बहुत ही अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। और याद रखना होगा कि इसका पेस्ट डोसा का पेस्ट जैसा नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा दरदरा रहेगा, तो इडली इससे बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और बैटर भी मेरा पीस के रेडी हो चुका है। अब एक एक एयरटाइट कंटेनर में बैटर को हम रख देंगे 7 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और 7 घंटे के बाद जब बनाना होगा तो हम बना लेंगे, तो फिर और बाकी अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको हम फ्रिज में रख देंगे, बाहर में रखने से वो ख़राब हो सकता है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया था, तो मैंने नमक मिलाया अपना स्वाद अनुसार। और बैटर को अच्छे से एक बार मिला ले रहे हैं, और इडली का सांची में ऑयल डाल रहे हैं ताकि इसको अच्छे से ग्रीस कर ले, और फिंगर की मदद से हम ऑयल सबको अच्छे से ग्रीस कर रहे हैं। और इस एक एक करके हम इडली का सांची में इसको हम डालते जाएंगे। और उसी बीच आरुष ने आया सुबह सुबह, और इडली हम बना रहे हैं वो देख के वो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसको इडली बहुत पसंद है। और वो जब देखा कि मम्मा ने इडली बना रहे हैं उसके लिए, आज टिफ़िन में उसको इडली खाने को मिलेगा, तो वो बहुत ही खुश हो गया। और इडली के सांचे में आप देख चुके होंगे कि वहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि ये स्टीम होगा तो थोड़ा सा पानी भी डालना होता है। और इडली मेरा बन के रेडी हो चुका है, इसको मैंने फुल फ्लेम में 15 मिनट पकाए हैं, स्टीम किए हैं। और ये बहुत ही गर्म है, इसीलिए मैंने चाकू की मदद से इसको अच्छे से उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं। और ये देखिए मेरा इडली कितना सॉफ्ट बना है।
आरुष भी चला गया है स्कूल और हम लोग भी बैठ के नाश्ता कर लिए हैं, और नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं किचन में, क्योंकि किचन थोड़ा सा मेरा मैसी दिख रहा है और मैसी किचन में काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं किचन को पहले क्लीन करूँगी। और जो जो मसाला मैंने लिया था तो वो मसाला को अपने अपने जगह में रख रही हूँ, और किचन को एक बार, किचन काउंटर टॉप को एक बार अच्छे से वाइप कर लूँगी, तो लगभग मेरा किचन क्लीन हो जाएगा। और जो बर्तन मेरा जूठा पड़ा है उसको मैंने सिंक पे रख दिया है। एक्चुअली मेरा मेड थोड़ा लेट करके आती है, तो मेड जब आएगी तो वो बर्तन वगैरह मैंने रख दिया है सिंक पे, वो धो लेगी। और किचन जब क्लीन हो जाएगा तो इनके लिए मैं थोड़ा सा चाय बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ता करने के बाद इनको थोड़ा सा चाय देना बनता है, तो मैं पहले किचन को क्लीन कर लूँगी फिर मैं चाय बनाऊँगी। और सिर्फ मैं इनके लिए एक कप चाय बनाऊंगी, मैं चाय नहीं पीऊंगी, क्योंकि बहुत ही कम मैं चाय पीती हूँ, वो भी सुबह के टाइम। सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं चाय पीती हूँ, और मतलब नहीं पीने का बराबर है। शाम के टाइम आप लोग देख पाएंगे कभी कभार मैं पी लेती हूँ चाय, चाय का आदत मुझे उतना नहीं है। और इनके लिए चाय मैं बना लूँगी, फिर उनके बाद मैं जाऊँगी डस्टिंग और मॉपिंग का काम करने। फिर डस्टिंग मॉपिंग जब हो जाएगा तो जाऊँगी मैं शावर लेने, और शावर लेने के बाद मैं लंच का भी प्रिपरेशन करूँगी, लंच बना लूँगी। और थोड़ा सा मैंने हेयर ऑयलिंग कर लिया था इस बीच में, डस्टिंग मॉपिंग करने के पहले मैंने से हेयर ऑयलिंग कर लिया था, तो वो एक घंटा लगभग हो चुका है हेयर ऑयलिंग का, तो इसके बाद मैं शैम्पू कर लूँगी। और शावर लेने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अदरक और लहसुन को छील रही हूँ, क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है। एक्चुअली आज मैं लंच में बना रही हूँ फिश करी और आलू पम्पकिन का सब्जी, तो इसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट तो चाहिए। और प्याज चॉप कर रही हूँ, कुछ आलू भी देख सकते हैं आप, तो आलू पम्पकिन में भी लगेगा और फिश में भी लगेगा, तो इसीलिए मैंने आलू को भी काट लेंगे। एक्चुअली मैं सुबह उठ के पहले डिसाइड कर लेती हूँ आज मुझे क्या बनाना है, उसी अकॉर्डिंग मैं सारा सब्जी को मैं काट के रख लेती हूँ। सबसे पहले मैं जो जो चॉप करना होता है, काटना होता है, मतलब कुकिंग के लिए जो जो मुझे चाहिए वो सब पहले कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, मतलब बहुत ही जल्द जल्द आपका खाना जो है वो बन के रेडी हो जाता है। और इसी बीच आरुष भी आ गया है स्कूल से, एक्चुअली 10 बजे उसका छुट्टी होता है तो वो आ गया है, तो मेरा जब काटना रेडी, मतलब सब्जी वगैरह काटना हो जाएगा तो उसको मैंने नहला देंगे, फिर मैं लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। और फिश करी मेरा बन ही रहा है, बस इसको मैं एक बार चेक कर रही हूँ। और दूसरे ओवन में मैंने चढ़ा दिया है पैन, क्योंकि मैं बनाऊँगी आलू पम्पकिन का सब्जी, और आलू पम्पकिन का सब्जी मैं जब भी बनाती हूँ तो उसमें मैं 5 फोड़न ज़रूर डालती हूँ, लेकिन मज़े की बात ये है आज मेरे पास 5 फोड़न नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है, तो मैं बिना 5 फोड़न का ही आज आलू पम्पकिन का सब्जी बनाऊँगी, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा आएगा। तो इसीलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी इसमें, और प्याज भी डाल रही हूँ। एक्चुअली 5 फोड़न अगर डालते हैं आलू पम्पकिन का सब्जी में तो उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, मतलब अदरक लहसुन पेस्ट डालने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो बस ऐसे ही बन रहा है मेरा लंच, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, तो फिर मिलती हूँ मेरे कोई नेक्स्ट व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये व्लॉग ज़रूर से पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।